हे गाइस, दिस इज आनंद। अगर आपके YouTube ऐप में एरर फेचिंग चैनल लिस्ट फॉर अकाउंट वाली प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा, जिसका यूज़ करके आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने डिवाइस को यानी फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। होता क्या है कि जैसे लैपटॉप और कंप्यूटर में हम लोग उसे ऑन ऑफ करते रहते हैं तो वो ठीक रहता है, ठीक चलता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन में क्या होता है कि जल्दी हम लोग ऑफ़ नहीं करते हैं, बहुत दिनों तक हमारा मोबाइल ऑन रहता है क्योंकि कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती ऑफ़ करने की। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करो, क्योंकि रीस्टार्ट करने से ही कई छोटी मोटी जो दिक्कतें होती है वो सॉल्व हो जाती हैं। तो आपको शट डाउन नहीं करना है, आपको रीस्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करना है ताकि फ़ोन अपने से ऑफ हो और फिर अपने से ऑन हो जाए। तो रीस्टार्ट करके आप देख लो, और उसके बाद अगर प्रॉब्लम नहीं ठीक होती है तो आपको क्या करना है कि YouTube का जो ऐप है उस पर थोड़ी देर तक आपको क्लिक किए रहना है, और उसके बाद से ऐप इन्फो ये जो आप देख रहे हो इस पर क्लिक करना है आपको। तो आप इस वाले ऑप्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो फोर्स स्टॉप दे रहा है, चूँकि आपका ऐप रन कर रहा है तो इसे फोर्स स्टॉप करना है, और उसके बाद से ये स्टोरेज वाला जो दिया हुआ है स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको क्लियर कैसे करना है, क्लियर कैसे आपका क्लियर हो गया, उसके बाद से डाटा भी आपको यहाँ पर क्लियर करना है। तो जब आप डाटा क्लियर करोगे तो आपके यूट्यूब में अगर कुछ वीडियो अगर आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं गैलरी वाले वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब ऐप में जो वीडियो डाउनलोडेड है वो सारे डिलीट हो जाएंगे, और हो सकता है कि आपका अकाउंट भी लॉग आउट हो जाए। तो आपको ये सब करके आपको फिर से अगर अकाउंट लॉग आउट हो गया है तो उसे लॉग इन करके देखना है, और नहीं हुआ है तो ऐसे आप ओपन करके देखो कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हुई या नहीं हुई। अगर इतना करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आप आ जाओ प्ले स्टोर में और देखो कि यूट्यूब का अपडेट तो नहीं आया है। यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर पे आप क्लिक करोगे, मैनेज एप्स एंड डिवाइसेस पे आप जाओगे, यहाँ पे अपडेट दिया हुआ है तो सी डिटेल्स दे रहा है, यहाँ पे 6 अपडेट्स पेंडिंग दिखा रहा है, यहाँ पे सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अगर यूट्यूब का अपडेट है तो आप उसे अपडेट कर लो, क्योंकि अगर कोई बग वगैरह रहता है तो अपडेट करने से फिक्स हो जाता है। तो ये आप देख लो, अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आप YouTube को अपनी प्रॉब्लम रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्ट करने के लिए आपको अपने YouTube ऐप में जाना है। ऐप में जाने के बाद आपको क्या करना है कि प्रोफाइल पे क्लिक करके आप इस वाले ऑप्शन पे आ जाओ। प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आप ये वाला पेज आ जाएगा, आप सीधे नीचे स्क्रॉल करके आ जाओ, यहाँ हेल्प एंड फीडबैक दिया हुआ है, इस हेल्प एंड फीडबैक पर आप क्लिक करो, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका अकाउंट ये चैनल जो है मोनेटाइज होगा तो आपको ये कॉन्टैक्ट अस वाला भी ऑप्शन मिलेगा, अगर चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तो ये कॉन्टैक्ट अस वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ ये सेंड फीडबैक वाला मिलेगा। तो आप कॉन्टैक्ट अस वाले में भी जा सकते हो, और इसमें आपको जो भी ऑन स्क्रीन जो भी चीज़ पूछा जा रहा है उसको आप फिल करके और इनके पास पोस्ट कर दो। जैसे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम अपनी डालोगे, नेक्स्ट करोगे, तो उसके बाद सेकंड स्टेप में आप देख रहे हो कुछ रिसोर्सेज से प्रोवाइड करेगा आपके प्रॉब्लम से मिलता जुलता, तो आप उसमें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख सकते हो, और अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट करोगे। तो कॉन्टैक्ट ऑप्शन में आपको ईमेल और चैट का ऑप्शन दिया जाएगा, आप जिसके जरिए बात करना चाहते हो आप कर सकते हो, और नहीं मैक्सिमम लोगों का हो सकता है कि चैनल मोनेटाइज ना हो तो ये सेंड फीडबैक वाले में आप जाओगे, और यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी है और यहाँ पे सेंड बटन दबाना है, और उसके बाद से आप इसे पोस्ट कर दो उनके पास। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका अगर मैं आपको बताऊँ तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करने की बजाय ट्विटर पे टीम यूट्यूब को कॉन्टैक्ट करो, वहाँ पे आप अपना स्क्रीनशॉट भी लगा दो कि ये प्रॉब्लम है मेरे में, और वहाँ पे आप अच्छे से लिख करके ट्वीट करो उनको, क्योंकि ट्विटर पे वो लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो वहाँ पे आपकी हेल्प जल्दी होगी। तो आप अपनी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए इतना सारा काम कर सकते हो। लेकिन सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बाकी लोग आपको नहीं बताएंगे, कि अगर आपका चैनल YouTube ने टर्मिनेट किया है कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, किसी भी वजह से YouTube ने अगर आपके चैनल को टर्मिनेट किया है या डिलीट किया है, तो आपका ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका चैनल ही जब डिलीट हो गया तो ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकता है। तो इसको अगर अपने फ़ोन में से हटाने के लिए कि ये शो ना करे, जो ईमेल आईडी है आपका उसको आप लॉग आउट कर सकते हो, तो आपका ये शो नहीं करेगा, फिर से लॉग आउट करके आप लॉग इन कर लोगे तो फिर ये जो दिखा रहा है ये शो नहीं करेगा प्रॉब्लम आपकी, लेकिन ठीक नहीं होगा क्योंकि YouTube ने ही आपका चैनल डिलीट कर दिया है। तो इस तरह से आप इन सब ये सब चीज़ें स्टेप्स कर सकते हो अपने प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।